अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के शहर का मौसम अच्छा होगा। यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा हो गया, जिससे मैं पिछली वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी गर्मी थी, तो उसके बाद अब काफ़ी बारिश हो के मौसम बहुत अच्छा हो गया। चले आज मैं आप लोगों को जिस हदीस के बारे में बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डराने वाली है। जो गुनाहगार है उनके लिए तो डराने वाली है और जो नेक होंगे, जो जन्नती होंगे, तो उनके लिए तो वो बहुत खुशी का बाइस होगी। तो वो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मरने के बाद जब हम क़यामत में चले जाएंगे वहाँ भी मौत आएगी, तो वहाँ का कोई मौत का सीन है? तो वहाँ पे मौत का कोई सीन नहीं है। तो इसकी जो वजाहत है वो एक हदीस से होती है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सब जन्नती जो हैं वो सब जन्नत में चले जाएंगे और सब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला मौत को लेकर आएंगे। जो मौत होगी ना वो एक मेंढे की शक्ल में होगी, तो अल्लाह ताला उसको लेकर आएंगे और अल्लाह ताला सब जन्नती और जहन्नमियों के सामने उस मौत को ज़िबा कर देंगे। अल्लाह ताला उसको भी मौत दे देंगे, मतलब मौत को भी मौत आ जाएगी। तो उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि अब किसी को भी यहाँ पर मौत नहीं आएगी। तो ये सुनकर जो जन्नती होंगे वो तो बहुत खुश होंगे, वो कहेंगे आह अब तो हम सारी जिंदगी ता हयात में कहती हूँ वहाँ भाई अनलिमिटेड जिंदगी, तो वो तो बहुत खुश होंगे, तो अब हम हमेशा के हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो जब जहन्नमी ये बात सुनेंगे तो उनकी चीखें निकल जाएंगी, वो कहेंगी कि तो हमें तो यही तो उम्मीद थी कि शायद मौत आ जाएगी और हम इस जो जहन्नम में और इस दुनिया से भी निजात पा जाएंगे। तो वहाँ पे जो जहन्नमी होंगी उनकी चीखें निकल जाएंगी। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में जगह दे। तो जब भी कोई जन्नत का बात हो या जहन्नम की बात हो तो आपको ये दुआ हमेशा याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जो मैं अक्सर पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जहन्नम के लिए अल्लाहुम्मा अजिरना मिन नार और जन्नत के लिए रब्बी इब्नी इन्नक बैतन फिल जन्ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो आप लोग ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए और अपने घर वालों में भी बताया कीजिए। तो इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे किसी और इसी इंफॉर्मेटिव अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।